आपका स्वागत है सर। नमस्कार मेरे भाई। वैसे आप परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह आप ही के गीत गाए जा रहे हैं। आप एक नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आप अगर खुद का परिचय देना चाहेंगे तो किस तरह देंगे? मैं धर्म बहादुर हूँ। अच्छा, लोगों की सेवा में ही मुझे मेवा मिलता है। ओहो हो, ईमानदारी और सच्चाई मेरा एकमात्र रास्ता। अरे वाह, हमारे घर में एक कहावत बहुत मशहूर है, नेता कभी ना सच्चा, अगर सच्चा तो गधे का बच्चा। ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? वो क्या है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी नरम है। आपका नाम धर्म बहादुर क्यों रखा गया? क्या आपने वाकई कोई बहादुरी का काम किया था या फिर ऐसे ही नाम रख दिया गया? बताएंगे क्या? अरे ये सवाल बिंदास होकर पूछना भाई, मेरे से डर मत। 15 साल पहले सरकार ने हमारे शहर और आसपास के गांव में ढेर सारी दारू की दुकानें खुलवा दी, जिससे ढेर सारे मासूम गरीबों की जान चली गई। इस मौत के तांडव ने मुझे अंदर तक हिला दिया भाई, इसलिए उसे बंद कराने के लिए मैंने पूरे शहर को बंद करा दिया। 2004 में जहरीली शराब को लेकर एक गिरफ्तारी हुई थी, कहीं वो आप तो नहीं थे? ए तिलक, क्या पूछ रहा है तू, नशे में है क्या? याद आया, उस जगह का नाम धर्मपुर था। धर्मपुर के लोग मुझे अपना धर्म पिता मानते हैं, अपना बापू गांधी। उनके लिए मैंने गाली, मारपीट, अत्याचार सब कुछ सहा है। अत्याचार? किसने किया अत्याचार? अरे मैंने, सरकार ने किया। उन्होंने मुझे मारने के लिए गुंडे भी भेजे, मेरे नाम की सुपारी देकर मुझ पर वार करवाया। देखो ये लगी है, ये लंबी से मरवाया भाई। सर 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 सर, दिख गया दिख गया, बंद कीजिए। औरतें और बच्चे भी ये चैनल देख रहे हैं। बस बस बस, हो गया। अंदर तो और गहरे जख्म है भाई, इसी बहादुरी को देख के मेरे पार्टी के लीडरों ने मुझे वीर पुत्र, सूर्य पुत्र, धरती पुत्र जैसे टाइटल दिए। लेकिन लोगों के दिलों में मेरी तस्वीर एक धर्म रक्षक की थी, इसलिए मैंने धर्म बहादुर नाम रख लिया। भाई मैं तो मानता हूँ कर भला तो सही का, ये बात हर शौचालय के बाहर लिखवा देनी चाहिए। 22 को चमका दिया बढ़िया वाला। ए तिलक, ये क्या बचपना है, ऑन एयर है तू? हाँ तो लोगों की शिक्षा के लिए आपने महान काम किए हैं। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज, 2 सिलाई स्कूल, 2 मेहंदी क्लास, और इसके लिए आपको अब्दुल कलाम से इनकी तुलना करो। नहीं करूंगा। अब्दुल कलाम? हाँ, क्या अबू धाबी? लोग अब्दुल कलाम से मेरी तुलना करते हैं, उनका सपना मैंने पूरा किया। अब्दुल भाई चाहते थे कि देश का हर बच्चा पढ़े लिखे और ऊपर तक तरक्की करे। ये बताइए कि पिछली पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी? आप बोलेगा हाँ। मेरे सिद्धांत जहाँ नहीं जमते वहाँ मैं नहीं जमता। मेरे सिद्धांत जहाँ नहीं जमते वहाँ मैं नहीं जमता। इसका और चैनल का राइटर सेम है। जो ढूंढे नया ठिकाना, क्या लेके आना क्या लेके जाना। किसकी कविता है ये, चील भगत या बगुला भगत? सर बगुला भगत। हाँ बगुला भगत, बहुत पहुंची चीज थी भाई। सर एक बार फिर से पर भाई। कितना बढ़िया उड़ गया। बताता हूँ, पार्टी के लोग मेरे अच्छे कामों की वजह से मुझसे बहुत जलते थे, तो मैंने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया या आपको धक्के मार के निकाल दिया? तिलक अगर और भड़काया तो तुम्हारा करियर बर्बाद। निकाला नहीं था भाई मैंने, लिखा है वो छोड़ा था। गरीबों का चिराग, बुझते दिए की लौ, महिलाओं का बॉडीगार्ड, ऐसे बहुत से टाइटल आपको दिए गए हैं। अब आप बताइए कि इसमें आपका पसंदीदा टाइटल कौन सा? अरे भाई डॉक्टर, डॉक्टर का टाइटल भी तो मिला है। डॉक्टर साहब सॉरी। सब टाइटल के तेल लेने। अगर कोई टाइटल मेरे दिल के करीब है तो वो है गरीबों का चिराग। तिलक एड ब्रेक, ब्रेक अनाउंस करो। ऐसे ही सवालों की बरसात होती रहेगी, आप देखते रहिए ZEN1 TV। ए हेडलाइंस, तुम सवालों को बराबर लाइन से क्यों नहीं पूछते? मैं रट के आया हूँ, आगे से मेरा रिदम खराब नहीं करना। क्या नारे? ये लो साहब। तिलक लिस्ट के सवाल पूछने की बजाय तुम फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो? लास्ट वार्निंग, वरना तुम्हारी जॉब गई। सुनाई दे रहा है? और ये गधे की तरह मुंह क्यों लटका रखा है? जाओ अपने मुंह पर ठंडा पानी मार के आओ। यार बाकी सब ठीक है, पर तू बार बार क्वेश्चंस क्यों पढ़ता है? अगर मैं इनके हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा तो ये मुझे भगा देंगे, मूड खराब हो गया। कोई नहीं यार, होता है। हेलो अब्दुल, तुम तिलक को फोन दो। अभी वो बिजी है, तुमसे बात नहीं कर सकता। अभी क्या, अभी फोन दो उसे। मुझे दो। हाँ देती हूँ। हाँ अब्दुल। धोखेबाज, मैंने कल्पना को पहले मना किया था चैनल पर यकीन मत करो, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। यही तेरा जर्नलिज्म है तिलक? नहीं नहीं अब्दुल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मीडिया के दलाल हो अब्दुल, मेरी बात सुनना प्लीज अब्दुल। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते? मुझे तो अब भी कुछ बचा है उससे कहने को? हाँ, भैया। कल्पना, कल्पना मेरी बात। तुमने मुझसे कहा था कि हम तुम्हारे फेस को कवर नहीं करेंगे, और ये भी भरोसा दिलाया था कि चैनल हमें सपोर्ट करेगा, पर तुम्हारे चैनल ने तो मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया, पागल साबित कर दिया, मेरे माँ बाप को झूठ बोलने पर मजबूर किया। नहीं कल्पना, मुझे गलत मत समझो, तुम नहीं जानती कि मैं। पहले तुम मेरी बात सुनो,
तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं चुप रही तो मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने सब कुछ बता दिया। तुम तो सच्चाई बता सकते थे ना, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में पागल हो जाऊंगी। जिन्होंने मुझ पर हमला किया वो तो गुंडे थे ही, उन लोगों का तो कोई धर्म ईमान है ही नहीं। पर शरीफ आदमी के लिबास में तुम भी दरिंदे निकले। सॉरी। ए फोन कट कर, इडियट। शो का टाइम है और तू फोन पे लगा है? हाँ? मुझे मत घूर जाके बैठ कुर्सी पे। मेरा आईपैड दे। चुमा-चुमा चार दिन नहीं हुए मुझे टेंशन दे रहा है। ये लो। वो हाल करूंगी कि दिल्ली तक कोई नौकरी नहीं देगा। उल्लू का पट्टा पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आया था। तमीज नाम की चीज नहीं है। किस तरह से बात कर रहा है नेताजी से? और ये क्या बुझी हुई मोमबत्ती जैसा बैठा है, स्माइल ला चेहरे पर। वेलकम बैक टू द शो। अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। मिस्टर आत्माराम गोटे, क्या हुआ? तेरा असली नाम यही है ना? व्हाट? ए, क्या बक रहा है ये? रोज घर जाने से पहले तू जमुना बाई और मुन्नी बाई के कोठे पर सलामी देकर जाता है, सही कहा ना? तेरे को कौन बताया ये? तेरी पुरानी माशुका सरोज ने। हा? जब उससे दिल भर गया तो चंपा, चंपा के बाद चमेली। बुलाना चाहिए हमारे MLA साहब 15 साल की उम्र में बिना लाइसेंस के ऑटो चलाते थे और 30 साल की उम्र में IC बैंक में इन्होंने पहला डाका डाला और BST बस में 556 लोगों की इन्होंने पॉकेट मारी। ये सारी डिग्रियां हासिल करके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद इन पर पैसों की बरसात शुरू हो गई। पब्लिक के टैक्स के पैसों से इन्होंने 4 दारू की भट्टी लगाई। नोटबंदी में इन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया और फिर चाइना से मिलकर ग्लोबल ड्रैगन नाम की पेस्टिसाइड फैक्ट्री लगाई। ये तो चमत्कार है। एक साधारण ऑटो ड्राइवर होने के बाद भी इतना सारा काला धन आपके पास कहां से आया? ये इतना आसान नहीं है छोटे, बहुत कुछ साहस जिंदगी में। किसी ने मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने छीना और फिर किसी से छीना, किसी को धोखा दिया, किसी का रेप किया और दंगा किया, यही ना? ये क्या पकड़ा पी रखी है क्या तूने? आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो। मिस्टर आत्माराम गोटे, मैं दर्शकों को आपकी तरक्की का राज बता रहा हूँ। मेरे पिटारे में कुछ और भी है, वो भी खोलता हूँ। कुछ ही दिन पहले तेरी ऑफिस के बाहर एक NGO ने धरना दिया था क्योंकि तेरी फैक्ट्री का जहर पूरे वातावरण को खराब कर रहा है ना? कैल्विन, उनकी आवाज सुनने क्या करने पे तुला हुआ है? गुंडे भेजकर उनकी आवाज दबानी चाहिए, सही बोला मैं? उस ग्रुप की एक लड़की कल्पना का तेरे गुंडों ने बेरहमी से रेप कर दिया। क्यों? तूने करवाया ना? ए, जो लिस्ट में नहीं है वो पूछ क्यों रहा है मुझसे? मिस्टर आत्माराम गोटे, सवाल तो मैंने अभी तक पूछा ही नहीं। क्या? क्या और क्या पूछेगा तू? मैं जनता के लिए धर्म पिता हूँ, यही मेरे लिए काफी है। सर ये फुटेज रखूं या डिलीट करूं? मेरे से मनी उगलवाने के लिए काम आएगा। ठीक है ब्रेक। ये मेरा वादा है। बस 500 रुपए में खर्च हो जाएगा। तू भी जाएगा, तेरा चैनल भी जाएगा। क्या काम कर रहे हैं? आत्मा, अब जो सुनाऊंगा ना तो सोफा निकलकर सर के ऊपर आ जाएगा। ये वही ऑडियो है जिसमें तूने अब्दुल को मारने की धमकी दी थी, ये ले सुन। देख अब ऑडियंस भी सुनेगी। धमकी देकर समझौता करना चाहता है? ए अब्दुल, समझौते के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए फोन किया है क्या? जो कल्पना के साथ वो तेरे लिए काफी नहीं है क्या? सर आप मेरे को मार रहे? तू मेरे को सच में अहिंसावादी समझ रहा है क्या? बंद कर कैमरा, बंद कर, बंद कर, बंद कर। चालू रख। फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी कहाँ फेंकू बता? तू भी अपने पेट की गंदगी इसी देश में निकालता है ना, और उसकी वजह से कोई मरा क्या आज तक? लिस्ट दिखा, लिस्ट दिखा। प्रूफ चाहिए मुझे अभी। सर सर ऐसा धोखे, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्म चाय मंगवाता हूँ। पहले आप मेरे को एक बात बताइए, जिन्हें आपने मारा उन लोगों की लिस्ट है आपके पास? तेरी लिस्ट पहला मरा। ए, ट्रक भर के आदमी मंगा रहे? दो ट्रक मंगा, हम बहादुर से सवाल पूछेगा। जगन प्लीज इसे उठाओ। ये सब रिकॉर्ड कर लिया ना? बस थोड़ा सा छूट गया है, अब मत छोड़ना। हाँ ठीक है, गुंडा हो वो गुंडा। रिलैक्स, अगर आपको लगता है कि मैंने झूठ बोला है तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? और आपकी लुंगी क्यों खुल गई? बोलिए ना, मुझसे डर गए आप? नशे में हो इसीलिए नहीं मार रहा हूँ, वरना एक चाटे में जमीन चाटोगे, दिखाऊं क्या? सिंगुर के अभी पर निकला है, तू मेरे पे हाथ उठाएगा अभी तेरी खैर खबर लेता हूँ। मारो,
लड़कियां देख रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा तुझे। अरे तेरी दारू मार रखी है, दारू पी ले। क्या कर रहा है तू? दारू के बिना देख तेरी हालत क्या हो गई है। लोगों का खून नहीं खंबा भी। सर खंबा लाऊं क्या? चुप कर। ए, जो चाहिए था मिला ना? मिला। यार सर पे चोट आई है। इस घाव का मलहम अपने होठों से मेरे होठों पर लगा देना। बाबा लव गुरु ने कहा है। तुमने उसे अच्छी तरह से उकसा के सच उगलवा लिया। मान गया तिलक, हीरोज को स्टाइल से लात मारते देखा है। हाँ। तू पहले जो स्टाइल से लात खा रहा था। पहले मैं फाइट मास्टर था। ओके बावना, जो मैं बोलेगा उसको लिख डालो। ओके अशोक, हमारा प्लान बी है मिमिक्री का। अरे बस को, ए कैल्विन नीचे आ रहे। जल्दी करो, कम ऑन, हरी अप। डरम, डरने का नहीं, टेलीकास्ट नहीं हुए। मैंने अपने पुंगी बजाने के लिए पैसे दिया तेरे को। टेलीकास्ट नहीं हुआ, अपना बीपी क्यों बढ़ा? अच्छा तो तू मेरे को जहर खिला देता। रिलैक्स, भावना आओ ना। ये लीजिए, अब इसको पढ़ने। इधर है, ये तुम्हारे लिए है। मेकअप टच अप। रिलैक्स सर, जो कॉस्ट्यूम लाओ सिर्फ वही बोलिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। इसको फिक्स करो, इस पर तिलक का पुराना फुटेज मैच करो। गुड, लॉक कैमरा। ओके अशोक, तिलक का आवाज में बोलो। आपका मतलब ये सारे लगाए हुए इल्जाम झूठे हैं? कैमरा टू, फेस को जूम करो, इतना जूम करो कि कुर्सी फ्रेम में दिखनी नहीं चाहिए, बाकी हम एडिट में संभाल लेंगे। एक्शन, वो देखो। आपका मतलब ये सारे लगाए हुए इल्जाम झूठे हैं? आपने सुना है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ये अशोक टकलिया का काम है। आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसे गलत साबित करने का अब समय आ गया है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर ये बात लोगों को भी जानने का हक है। इसी वजह से मैंने आपसे इतने जहरीले सवाल। देखो भाई, फलदार पेड़ पे ही लोग पत्थर मारते हैं, अब इसमें बुरा क्या मानना? लॉन्ग शॉट से तिलक को फ्रेम में जोड़ो। मैंने तो जन्म ही लिया। लाइव कैमरे के साथ इसको फिक्स करो। बड़े शर्म की बात है कि मुझे विरोधियों ने बदनाम किया, उस बेचारी कल्पना का सहारा लेकर। घोर अन्याय हुआ उसके साथ। सर प्रोग्राम खत्म करने के लिए हमारे पास तिलक की कोई फुटेज नहीं है, अगर वो मिल जाए तो प्रोग्राम नेचुरल लगेगा। टेस्टिंग करते टाइम तिलक ने एक अच्छा सा नमस्कार किया था, उसको इधर लगाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा, जाओ। अरे नहीं, तुम मेरे छोटे भाई की तरह। नमस्कार। मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूं? तुम अपना धर्म निभा रहे। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे अपने कलंक धोने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई।